सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ, अपने एक नए वीडियो के साथ। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो अभी मैं नहा चुकी हूँ और नहाते धोते मेरे बज गया 12। और आज बाबू को भी नहलाना है तो गीज़र ऑन कर दिया है, थोड़ा सा पानी मिक्स करके हल्का गर्म गुनगुने पानी से नहलाएंगे क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। सो आज उसको भी नहलाएंगे। सो बने रहिए मेरे। आज हो रही इनकी नहाई नहाई ज़्यादा ठंडा पानी में भर जाओ, बंद कर दे वाला ना। ए, ए, नहाई नहाई हो रहा है। और यहाँ पे बाबू मेरे नहा धो चुका है, इसको मैंने क्रीम वगैरह लगा करके, लोशन वगैरह लगा करके मालिश कर दी है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा सो जाए, तब मैं इसके आंखों पे काजल वगैरह बनाऊँ, क्योंकि जगे हुए रहता है तो आंखों पे काजल नहीं लगवाता है, हाथ मारने लगता है। सो कपड़े वगैरह सब कुछ पहना दिया है मैंने, अब इसको गर्म कपड़े ही पहना रहे। तो ये हो चुका है नहा धो के रेडी, मेरे बाबू नहा धो के रेडी हो गया है ना बाबू। हेलो गाइज कर लो। और इसने, मैं नहाई थी और इसने मेरे ऊपर पॉटी कर दिया। मैं जा रही हूँ फिर से चेंज करने और चलते हैं, इनको इनकी दादी के पास दे देते हैं और फिर मैं करती हूँ चेंज। सो आज मैंने बहुत टाइम के बाद से, मतलब बहुत टाइम के बाद से साड़ी वेयर की है। मैंने डिलीवरी से पहले वेयर की थी, वो भी डिलीवरी के एक डेढ़ हफ्ते पहले मैंने वेयर की थी साड़ी, और आज वेयर की है बहुत टाइम के बाद से। सो मैंने सोचा अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली मैं बिल्कुल ही ठीक हो चुकी हूँ और मैंने सोचा अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियोज़ वगैरह का काम शुरू करते हैं वापस से। ब्लॉगिंग चल रही थी बट रील सही से नहीं हो पा रहा था, सो इस वजह से आज मैंने साड़ी वेयर की एंड वीडियोस वगैरह भी मैंने शूट कर ली है, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत प्यारी प्यारी रील्स देखने को मिलेंगी। एंड अब मुझे करना है इस जंजाल से छुटकारा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। मैं कुछ भी करवर तो रही नहीं थी इस टाइम पर काम, और थोड़ा सा फैल गया सब कुछ। और वैसे भी मेरा कमरा काफ़ी ज़्यादा फैला रह रहा है इस टाइम पे बाबू की वजह से, बाबू की चीज़ों की वजह से, क्योंकि हमारा है कि हमें कोई भी चीज़ हो, हमें एक टाइम का काम है एंड उसके बाद से वो उसको उस जगह पर रख देते। लेकिन बाबू का है कि डाइपर की उसके बार बार ज़रूरत पड़ती है एंड उसको उसके नाभि में ऑयलिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो बार बार यूज़ करनी पड़ती फिर, और इतनी ज़्यादा थकान हुई रहती है रात भर का जगने के बाद से बाबू के साथ कि फिर मन नहीं करता है कि सही करूँ कुछ। बट अभी थोड़ा सा बाबू सो रहा है उधर अपनी दादी के पास, तो तब तक मैंने सोचा कि फटाफट से कर लेते हैं सही। और ये कपड़े हैं जो कि सूख गए हैं तो मम्मी लेकर के आ गई थी छत पर से, एंड इसको भी फोल्ड वगैरह करके रख देते हैं। सो तब तक कर लेते हैं सारा काम और फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। सो दिन भर तो सोता रहता है, शाम के टाइम पे आज पता नहीं कैसे उठ गया ये और खेल रहा था काफ़ी ज़्यादा। अब खेलने लगा है, अब उठने लगा है, मतलब जब हुआ था तब से तो बिल्कुल उठता ही नहीं था, सोए रहता था बट अब थोड़ा बहुत उठने लगा है, खेलने लगा है सबके साथ, हाथ पैर मारने लगा है,
भजन वगैरह बहुत ध्यान से सुनने लगा है। अगर इसके पास भजन बजा के छोड़ दो तो काफी ध्यान से सुनता है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, अभी तो इसको क्या ही समझ है। लेकिन वीडियो वगैरह का अभी से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा शौकीन होगा। कैमरा ऑन करते ही फ़ोन में देखने लगता है, वीडियो वगैरह में देखने लगता है। आप लोगों ने भी गौर किया होगा, तो कोई नहीं, मम्मा का साथी बनेगा ये वीडियो सुनाने में। और ये अभी सो के उठ चुकी हैं और खेल रहे हैं, एंड इनको आ रही है हिचकी। इस पे लखो, चल इस पे लखो। ओहो 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 भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। फाइनली मेरा बाबू अब उठने लगा है, हम लोगों के साथ खेलने लगा है। नहीं तो ऐसा सब लोग बोलते हैं कि बोल रहे थे कि जब बच्चे मतलब न्यू बॉर्न होते हैं सो उनको काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, वो दिन भर सोए रहते हैं। दिन भर सोता था, रात भर सोता था, बट अभी थोड़ा सा जगने लगा है, रात भर जगाने भी लगा है। और कोई नहीं, यही ज़िंदगी है। ये सारे टाइम, ये सारी चीज़ें भी याद आएंगी जब ये सब बंद हो जाएगा, मतलब ये रात में जगाना बंद कर देगा। एक टाइम के बाद से बच्चे अपना प्रॉपर टाइम टेबल उनका फिक्स हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड यही सब यादें रह जाती हैं। सो ये था मेरा ब्लॉग। अभी मैं थोड़ा सा प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई है। एंड मैं अपनी दीदी को, जब मेरी दीदी के बच्चे हुए थे तो मैं उसको काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाती थी, दिन भर करती क्या हो, कोई काम धाम तो रहता नहीं, बच्चा संभालना रहता है और कोई काम नहीं रहता है तुम्हारे पास, ये है वो है, बहुत सुनाती थी। बट आज रियलाइज़ हो रहा है कि कितना ज़्यादा काम होता है। और फिलहाल तो मैं बताऊं कि मेरे को घर का कोई भी काम नहीं करना रहता है, घर का मतलब कि किचन वगैरह, घर का बाहर का कोई काम नहीं करना रहता है, मुझे सिर्फ अपने बच्चे को संभालना रहता है, और उसमें भी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। सो ये कंडीशन हो रखी है, आज रियलाइज़ हो रहा है कि कितना कठिन है एक माँ बनना। तो कोई नहीं, बाकी फिर से बहुत ही जल्दी मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी प्रॉपर, थोड़ा सा खुद भी मैं मैनेज हो जाऊँ और सारी चीज़ें एक परी फिक्स हो जाएं उसके बाद से। सो तब तक के लिए मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। छोटे छोटे से ब्लॉग्स अभी आ रहे हैं, एंड उसको अपना खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। मेरे बच्चे की, मेरे बाबू की छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उनको सपोर्ट कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग्स पे। एंड जल्द ही बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ मिलूंगी आप लोगों से। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को खूब ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू।